गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में सभी बूथों पर 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वे अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लें अथवा जो भी त्रुटि हो उसे सही करा लें। अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश सिंह ने कहा कि जनपद में 2077 केंद्र और लगभग 4100 बूथ बनाए गए हैं जहां जाकर लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ एडीएम फाइनेंस गोरखपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज 1 नवम्बर है, 1 नवम्बर से कार्य प्रारंभ हुआ है। पूरे जनपद में हमारे पास 2077 केंद्र हैं और 4126 मतदान बूथ हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी लोग अभी 1/1/2022 को 18 साल के हो रहे हैं, वो अगले, वैसे तो ये प्रोग्राम पूरा 1 महीने चलेगा, लेकिन विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले अपना नाम दे देगा उसका मतदाता पहचान पत्र पहले पहुंच जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, आजकल परसों में आप केंद्र पर जाएं, जहां पर भी पोलिंग बूथ है वहां पे जाकर के आप फॉर्म भर के दे दें। और नहीं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है एक, और एक नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल ऐप है, आप ऑनलाइन वहां जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सभी महिला निवासियों से, सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो जरूर जाकर के अपना वोटर जरूर जाकर के वो अपना बूट बनवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।